अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले महामंडलेश्वर यति नरसिंहा नंद गिरी को आज परतापुर थाना पुलिस ने रोककर हिरासत में ले लिया। महामंडलेश्वर गिरी देवबंद में दारुल उलूम के मौलानाओं से गजवाए हिंद विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे थे। महामंडलेश्वर का आरोप है कि इस चर्चा को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हवा दे दी, जिस कारण उन्हें देवबंद जाने से रोक दिया गया। यहां थाने में पुलिस व महामंडलेश्वर के बीच चाय पर चर्चा हुई। चाय की चुस्की वे बर्फी का पीस उठाते हुए महामंडलेश्वर ने कहा कि उनकी आवाज तो ऐसे ही निकलेगी, आप क्योंकि अपने हो इसलिए मेरी आवाज आज बहुत शांत है। पुलिस की मिठाई व चाय पीकर महामंडलेश्वर वापस लौट गए। देखिए परतापुर थाने का नजारा। आवाज़ तो मेरी ऐसी निकलेगी साहब, ये तो आपके सामने अपने हो, आप अपने हो साहब, इसीलिए मेरी आवाज बहुत शांत है। इस बारे में फर्स्ट बाइट डॉट टीवी से वार्ता करते हुए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने यह कहा। मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, गजवाए हिंद पर जो देवबंद का भी फतवा आया है, दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया है, उस फतवे के बारे में हम दारुल उलूम के मौलानाओं से बात करने के लिए हम जो है देवबंद जा रहे थे, लेकिन उन कट्टरपंथी मौलानाओं के जो शिष्य हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन को ये लगा कि हमारे वहाँ से जाने से माहौल बिगड़ेगा, तो इन्होंने पुलिस मेरठ पुलिस ने हमें वहाँ जाने से रोक दिया है और यहाँ बैठा रखा है। देखिए पुलिस का कहना कुछ नहीं, अभी तो पुलिस वाले कुछ कह नहीं रहे, अभी तो हमें बैठा रखा है। अब जो ये चाहे जेल भेजें या वापस, जो इनकी मर्जी हो वो अलग बात है, लेकिन ये अलोकतांत्रिक है, हम केवल वहाँ शांति प्रिय ढंग से बात करने जा रहे थे, लेकिन इसमें पुलिस की गलती मैं नहीं मानता, पुलिस प्रशासन की गलती नहीं मानता, मौलानाओं ने माहौल बिगाड़ा सोशल मीडिया पर, जिससे पुलिस को मुझे रोकना पड़ा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम इस्लाम पर बात करना चाहते हैं तो मौलाना डर क्यों जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं, ऐसा क्या है जिसे वो छुपाना चाहते हैं। उन्होंने खुद ही घोषित किया है कि भाई इस्लामिक दृष्टि से गजवाए हिंद बिल्कुल सही है, अगर सही है तो भाई इस पर हमें बात कर लो, हमें समझा दो ये क्या है, हम अपने लोगों को समझा दें। गजवाए हिंद का मतलब ये है हिंदुस्तान को काफिरों से मुशरिकों से विहीन करना, यहाँ की सारी औरतों को आपस में बांट लेना, सारी जन संपत्ति पर कब्जा करना, सारे मठ मंदिरों को तोड़ देना, ये है गजवाए हिंद। गजवा का अर्थ ये होता है कि जिस भी धरती पर गजवा होता है, गजवा एक लड़ाई है मोहम्मद के आदेश पर, होली वार ऑफ इस्लाम, होली वार ऑफ इस्लाम जहाँ होती है वहाँ ये सारे काफिरों को मार देते हैं, मुशरिकों को मार देते हैं, उनकी धन संपत्ति को लूट लेते हैं, उनकी औरतों को उनके बच्चों को अपना गुलाम बना लेते हैं। आज तक दुनिया में गजवा का एक भी अपवाद नहीं है, जहाँ भी गजवा हुआ है उन्होंने यही किया है। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें गजवाए हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है, तो अगर इन्हें गजवाए हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ हम सबको ये मार, तो जैसे कि आपको जाने नहीं दिया जा रहा, यहाँ से ही वापसी हो गई या आगे जाना। अब ये तो आपको साफ बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो आप साहब से पूछो इनके लिए क्या आदेश है, ऊपर से जो आदेश इन्हें आए होंगे ये पूरा करेंगे, इस पर हम क्या कर सकते हैं, हम तो कैदी होकर बैठे हुए हैं। वैसे ये अलोकतांत्रिक है, हम कोई दंगा करने नहीं जा रहे थे, हम केवल पूछने जा रहे थे कि भाई गजवाए हिंद का मतलब क्या है, हमें इसे समझा दो। हमने जो गजवा के बारे में पढ़ा वो उन्हें बताने जा रहे थे कि अभी तक 25 तुम्हारे 25 गजवे हुए हैं, केवल ये गजवाए हिंद अभी मुकम्मल नहीं हुआ है, तो गजवाए हिंद जब मुकम्मल होगा तो इसमें क्या होगा, सिर्फ ये पूछने जा रहा था, क्योंकि आज तक गजवा का इतिहास है, दुनिया में जहाँ भी गजवा हुआ वहाँ इन्होंने एक भी काफिर को जिंदा नहीं छोड़ा, एक भी मुशरिक को जिंदा नहीं छोड़ा, काफिर मुशरिक कौन, हम और आप, हमारे मठ मंदिर नहीं छोड़े, एक भी हमारी औरत नहीं छोड़ी, एक भी बच्चा नहीं छोड़ा, ये इतिहास है, इसका एक भी अपवाद नहीं है। जो इन्होंने सारी दुनिया में करा हमारे साथ क्यों नहीं करेंगे, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई गजवाए हिंद का ऐलान करने की, मैं सिर्फ ये पूछने जा रहा था शांतिपूर्वक तरीके से। ये अलोकतांत्रिक है, पुलिस ने जो कदम उठाया पुलिस की मजबूरी है, मैं भी समझता हूँ, क्योंकि मुसलमान बहुत बड़ी ताकत में है और उन्होंने माहौल खराब करना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया पर, लेकिन ये गलत है, मुझे जाने देना चाहिए था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। केएमसी कैंसर संस्थान
केएमसी हेल्थ सिटी बागपत रोड मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है।